आपका नाम? मेरा नाम नीलम है। कहाँ से आई हूँ? मैं थाना भुता से आई हूँ। किस बात करने आई? शिकायत देखने आई हूँ। मेरी जायजाद पड़ी है गांव में भादरापुर में। हाँ। जिसको लाड़पुर मुड़िया मजरा भादरापुर लगता है, थाना भुता तहसील फरीदपुर लगती है। हाँ। उसमें मेरी जायजाद पड़ी, हम लोग रह रहे हैं परिवार सहित भुता में, बना लिया मकान मोल लेके। हाँ। तो उसमें रह रहे हैं, वहाँ जायजाद कुछ दबंग लोग हैं, जिसका नाम है दबंगों का रघुवीर है और रामेश दयाल है प्रधान, और धर्मपाल गुड्डू मुनीस, ये लोग सारे कब्जा कर रहे हैं। कब्जा करके उन्होंने कल दीवार उठा ली। दीवार उठाने के बाद में मैंने, हम लोग गए थे, पता चला तो उन्होंने हम लोगों के संग में बदतमीजी करी और तमंचा असले लेके बैठे हुए रात के 8-10 बजे लोग बैठे रहे वो लोग। अच्छा। हम लोग भाग आए वहाँ पर शोर मचाने पर। भू माफिया है उनका, यही काम है, इसका प्लाट छीना तो उसके हाथ बेच दिया, उसका प्लाट बेचा तो उसके हाथ ले लिया। जमीन हमारी वहाँ पे बगिया अलग पड़ी है, तिकुनियाई जगह अलग पड़ी है, तीन जगह जगह है, और जो उस पर विवाद चल रहा है वो अलग है। किसके नाम से? बैनामा नहीं है वो, दादला की संपत्ति है वो। है किसके नाम? ऐसी है, ऐसी दादलाइट हमारे सास ससुर की, सास ससुर की सास ससुर की है। बहुत पुरानी जमीन, 200 गज। 200 गज? हाँ। कब्जा कर लिया उन्होंने, कर लिया। थाना शिकायत करने गए, फरीदपुर भी गए, सीओ के यहाँ, यहाँ भी आए, फिर यहाँ आए हैं और बोलो जय कहते तुम्हें जहाँ जाना है तहाँ जाओ। कहीं सुनवाई नहीं हो रही, कहीं सुनवाई कुछ भी नहीं हो रही है, और जब थाना बता हुआ सुन ही नहीं रहे बिल्कुल। हाँ, और जो कहता है रुकवा दिया, आज भी वीडियो है मेरे पास में, आज भी काम चल गया। इस वक्त कल 2 मिस्त्री चले, आज 4 मिस्त्री चलना है। आज कप्तान साहब से मिलने आए, कल भी मिले थे। लेकिन आपका नाम क्या है? रोहित कुमार श्रीवास्तव। आप कौन है? मैं इनका लड़का हूँ बड़ा। हाँ, तो क्या हुआ? सर ऐसा था, हमारी जगह पड़ी है जो ग्राम में लगती है, भादरापुर तहसील फरीदपुर लगता है, लालकुंडिया तो थाना भुता लगता है। सर हमारी जो जगह है उसमें कुछ भूमाफिया हैं, रघुवीर प्रधान, रामेश्वर दयाल, और इनका जो है नेटवर्क काफ़ी ऊपर तक है, इसीलिए जो है हमारी जगह पे ज़बरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। इसकी हमने शिकायत करी है थाना भुता में जा कर के, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। पुलिस जाती है वापस चली आती है, 112 पे 4 बार कॉल कर चुके हैं, लेकिन पुलिस जाती है वहाँ पे ज़्यादा संख्या होने के कारण और वापस चली आती है। और कल भी हम कप्तान साहब के यहाँ आए थे, पहले भी आ चुके हैं, आज फिर आए हम कप्तान साहब के यहाँ, हमारी कहीं भी सुनी ही नहीं जाती है। जब हमने दरोगा जी से बोलते हैं, फ़ोन करते हैं तो हमारा फ़ोन नहीं उठाते हैं, बात करते हैं तो कहते हैं मैं इसमें ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं कर सकता हूँ जी। आप क्या चाहते हैं? अब मैं चाहता हूँ जो न्याय हो वो करवा दिया जाए, बस जो लीगल प्रॉपर्टी जिसकी है उसके लिए दिलवाई जाए।